यहाँ पर बर्फ का शिवलिंग होता है और वहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है, तो वहाँ पर रात के वक्त जंगली जानवर आते हैं, लेकिन ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है। अभी नवंबर महीना है तो इतने नहीं है, मेरे ख्याल से दिसंबर में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे। ये बहुत करेक्ट टाइम है यहाँ पे आने का, आज 24 नवंबर 2022 है, मेरे ट्रिप का चौथा दिन है। हम आपको दिखाएंगे अटल टनल, आगे देखेंगे आप अटल टनल, तो हमारे दोस्त है वो कैमरा संभाल रहे हैं, चलो देखते हैं। टैक्सी गाड़ी को चेक नहीं करते ना, प्राइवेट को करते हैं। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं अटल टनल। तकरीबन 9.02 किलोमीटर है इस टनल की लेंथ और ये लॉन्गेस्ट टनल है एट अ हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ 10,000 feet एंड अबव। तो 10,000 feet के समुद्र सतह के ऊपर ये सबसे लॉन्गेस्ट टनल है जो कि 9.02 किलोमीटर्स है और ये सिर्फ 15 मिनट चलती है। मतलब आप सोचिए, आपका तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र ये बचा देती है और तकरीबन 60 किलोमीटर्स का आपका डिस्टेंस ये कम कर देती है। तो बहुत ही बेहतरीन है अटल टनल, इसको रोहतांग टनल भी कहते हैं। तो हर 500 मीटर में इस टनल पर एग्जिट पॉइंट्स है, इसके नीचे वॉकिंग टनल है, मतलब अगर कोई वीआईपी यहाँ पर फंस जाता है तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अटल टनल क्रॉस करने के बाद हम जब उस तरफ जाते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है लाहौल स्पीति, वो भी हिमाचल ही है लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग है, और इस तरफ है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए अटल टनल देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम कर चुके हैं एंटर डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में, हम अटल टनल क्रॉस कर इस तरफ आए हैं। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं सिसु की तरफ। ये भैया डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में आ गए हम, मेरा फेवरेट। हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो रोड के बगल में आप नदी देख रहे हो इसका नाम है चंद्रा नदी, ये आगे पाकिस्तान में जाती है और तब उसका नाम वहाँ पर पड़ जाता है चेनाब। तो पाकिस्तान की फेमस नदी है चेनाब। और एक चीज़, आगे चल के कुछ 50 किलोमीटर के अंतर पर ये नदी और भागा नदी, चंद्रा नदी और भागा नदी का संगम होता है, तो वो भी जगह बहुत ही सुंदर है। वो जगह है, उसका नाम है टंडी, टंडी करके नाम है उस जगह का। और उसी जगह पर बजरंगी भाईजान की जो क्लाइमैक्स का सीन है वो वहाँ पे शूट हुआ है। तो टंडी के पास एक जगह है जीबी करके, वो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट रोड्स में उसको कहा जाता है हिमाचल के। ये सब हमारा विज़िट करना, आगे चल के कभी हम विज़िट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आगे चल के चेनाब बन जाती है पाकिस्तान की तरफ,
और पीछे की तरफ, इस तरफ पीछे की तरफ चंद्रताल लेक है, राइट। ये देखिए कितना क्लीन और कितना साफ पानी है इस नदी का, बहुत ही ठंडा पानी लग रहा है ये। अभी ये नवंबर महीना है, यहाँ पर थोड़ी सी धूप है, ऊपर बर्फ जमी हुई है। इस नाले का नाम है भैया पागल नाला। पागल नाला, ये जो नाला दिख रहा है ना, ये जब भी आएगा पागलों की तरह आएगा। क्या खूबसूरत लग रहा है ये, तो सीन ऐसे लग रहा है कि वो बजरंग की भाईजान की बॉर्डर लग गई। वो भी यहीं पे आके शूट हुआ ना, यहीं पे शूट हुआ, वो तंदी में हुआ है जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती है। अच्छा, मतलब यहाँ से 50 किलोमीटर आगे, यहाँ से 50 किलोमीटर आगे जो पाकिस्तान का ये दिखाते है ना, बजरंग की भाईजान, बजरंग की भाईजान जो रिवर दिखाते है वो यही तंदी नाम की जगह है। आपको काफी शौक है भैया, ललित देखता है, जानकारी बहुत है आपको, आपको ज्वाइन करना चाहिए। जब मूवी दिखती है ना भैया तो प्लेस भी दिख जाता, मतलब व्यू यहां का भी वैसा ही है, मैं मूवी में प्लेस ढूंढता हूँ। कितना खूबसूरत है, देख रहे हैं सामने ये पेड़ स्पिद्दे के पेड़ है, इसे स्पिद्दे के पेड़ कहते हैं। A few moments later, that was only in my budget, other everything is costly. chalo okay, we'll, yeah we'll meet aapka marzi hai na baka 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 yahi hai tumhi dogo majha video madhe yenar channel like karo subscribe karo indian locker vikas thank you दोस्तों ये सोलांग वैली का पार्ट नहीं, ये लाहौल स्पीति अलग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। सोलांग वैली कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है, मतलब वो प्योर मनाली है, और ये रोहतांग की तरफ है, तो ये लाहौल स्पीति में आता है।
आप देख सकते हो वहाँ पे सामने से ट्रैक रहता है इसका। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामने से ट्रैक होता है, यहाँ से लोग जाते हैं। बर्फ का शिवलिंग बताइए, वो सामने बर्फ का शिवलिंग बनता है और वहाँ पर वाटरफॉल है छोटा सा, देखिए आपको दिख रहा है। वहाँ पर जंगली जानवर आते हैं पानी पीने। ये सिसुक की पहाड़ी है, वो देखिए सब बर्फ जमा हुआ है उस पहाड़ी पे, देखिए यहाँ पर देखिए, और बहुत ही सॉफ्ट है बर्फ, बहुत सॉफ्ट। अरे बैटरी है? नहीं नहीं नहीं, अरे यार, अरे मेरा शर्ट है वो भाई। अरे नहीं यार, अरे शर्ट है, शर्ट को क्या होगा भैया? अरे ऐसा मत करो, इतने से थोड़ी दिखेगा। हाँ तो सुनो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग हैं सिसु एरिया में और एकदम बर्फ के बीचों बीच। ये कौन सी झाड़ी है? कैसे, ये जो झाड़ियाँ कौन सी है? ये स्पेदे का पेड़ है। स्पेदे का पेड़ है, और एरिया का नाम क्या है? एरिया का नाम सिसु है, और यहाँ पर सब एक्टिविटी होती है। और ये दोस्तों ये सिसु एरिया है, यहाँ पर अभी नवंबर के महीने में, आज 24 तारीख है, तो बर्फ आपको दिख रही है यहाँ पे। इसको स्नो पॉइंट भी बोल सकते हैं ना, स्नो पॉइंट ही है काइंड ऑफ। और आगे देखिए पूरे पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है। सिसु एरिया में जो पहाड़ है ये है, और ये पेड़, इनका नाम बताया भाई ने, भाई क्या बताया आप इनका नाम? स्पेदे का पेड़ है। स्पेदे का पेड़ है, इसका क्या, उसकी क्या मतलब उसकी क्वालिटीज होती है ये पेड़ की? ये एक साइड से स्पेद है, एक साइड से ग्रीन पत्ता रहता है इसका। अच्छा, और इसका मतलब क्या करते हैं, किस चीज में यूज होता है ये? इसका यूज नहीं होता, ये ऐसे ही है, ऐसे ही है, मतलब जंगल का एक ये पेड़ है, किशोवा है। अच्छा, वो सामने आइस का शिवलिंग बन रहा है। शिवलिंग बन रहा है? शिवलिंग बनेगा, मतलब नेचुरल आइस का 10 से 15 फीट तक बनेगा। अच्छा, और ये कितना वक्त रहता है साल में ऐसा शिवलिंग? मार्च तक रहेगा। अच्छा, रात के वक्त तो यहाँ जंगली जानवर घूमते होंगे? जंगली जानवर यहाँ पे पानी पीने के लिए आते हैं। अच्छा, तो काइंड ऑफ वाटरफॉल है वहाँ पे? वाटरफॉल है, वाटरफॉल के नीचे जमेगा शिवलिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, नेचर कुदरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हिमाचल प्रदेश में सिसु नाम की जगह है, रोहतांग जब आते हो, अटल टनल क्रॉस करते हो, ये पड़ता है लाहौल स्पीति एरिया में। लाहौल स्पीति, ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया जगह है। स्वाति कैसे लग रहा है आपको यहाँ पर? एकदम अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा डिसीजन लिया ना हमने आने का यहाँ पर। अरे अपने दोस्त है ललित भाई, ये अपने गाइड है यहाँ पर, ये देखिए पहाड़ सिसु रीजन में, और ये देखिए सिसु की पहाड़ी पीछे, यहाँ पर बर्फ का शिवलिंग होता है और वहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है, तो वहाँ पर रात के वक्त जंगली जानवर आते हैं। अभी तो खैर टूरिस्ट, लेकिन ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, अभी नवंबर महीना है तो इतने नहीं है। मेरे ख्याल से दिसंबर में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे। ये बहुत करेक्ट टाइम है यहाँ पे आने का, आज 24 नवंबर 2022 है, मेरे ट्रिप का चौथा दिन है। मैंने अपनी ट्रिप शुरू की थी मुंबई से, चंडीगढ़ पहुँचा डे वन पे, फिर चंडीगढ़ से शिमला, शिमला में स्टे किया, और कल रात को मतलब थर्ड दिन पे, तीसरे दिन पे मैं मनाली पहुँचा हूँ। और ये अभी मेरा मनाली का साइट सीइंग चल रहा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था आज का स्काई स्कीइंग, जो भाई ने मुझे करवाया, ललित भाई ने, इनका नंबर दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, कभी भी आओ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, सब करा देंगे आपको। ऐसे नेचर में आके बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि यहाँ पर तप करते थे, और ये धरती पावन धरती है, तपोभूमि है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एक विपश्यना मेडिटेशन फॉलो करता हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, तो मुझे ऐसे जगहों पे आके बहुत अच्छा लगता है, और ये तपोभूमि है, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे। और सब पहाड़ी आप देखोगे बहुत शांत है, बहुत स्थिर है, और बहुत अच्छा अनुभव है। ज़रूर आइए हिमाचल प्रदेश, आई प्रमोट हिमाचल टूरिज़्म, आई प्रमोट इंडिया टूरिज़्म। ऐसे माहौल में, शांत माहौल में तप करने का मज़ा ही अलग होगा, जो ऋषि मुनि अनुभव लेते थे ऐसे माहौल में बैठकर। A few moments later. Thank you.
नमस्ते दोस्तों, आज का डे है 4 हिमाचल का, मेरे ट्रिप का, और अभी मैं हूँ वहीं पर हूँ शिशु। और थोड़ा व्यू हमारा चेंज है, व्यू थोड़ा चेंज है, आप देखिए। ये नदी चंद्रा नदी है, वो ये आपका आगे यहाँ से 15 किलोमीटर आगे तो गांधी नाम का स्टेशन आता है, तो वहाँ भागा नाम की नदी जुड़ेगी, वो ले से बहती है। अभी हम थोड़ा नीचे नदी के पास जाएंगे। तो जो यूट्यूब में सबके गाइडिंग करते हैं, तो आज हम इनके गाइड है। तो यहाँ से इनको रिवर साइड उतारेंगे हम, ये तो इस साइड से हम रिवर साइड की ओर जाएंगे। मनाली लेह हाईवे पर मनाली से केवल 40 किलोमीटर दूर लाहौल की शुरुआत में स्थित है सिसु। सिसु ये एक छोटा सा टाउन है जो चंद्रा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। सिसु भारतीय हिमालय के 3 प्रसिद्ध क्षेत्रों लद्दाख, स्पीति और लाहौल के प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। सिसु हिमालय का एक छोटा सा गांव है जो चारों ओर से शानदार ग्लेशियरों से घिरा हुआ है, और यहां पर यात्रियों को पारंपरिक लाहौली जीवन शैली की झलक देखने मिलती है। इस क्षेत्र में आप हाइकिंग, कैंपिंग, ट्रेकिंग, स्टार गेजिंग और निश्चित रूप से बहुत सारी वनडे ट्रिप्स कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पर जो हाइक होती है वो सिसु वाटरफॉल देखने के लिए होती है, और उसके बाद यहाँ पर एक शितिधर ग्लेशियर हाइक भी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। गाइड हमें बता रहे हैं ये जो सामने नदी है ये चंद्रा नदी है। तकरीबन 20-22 किलोमीटर आगे तांदी नाम का एक जगह आता है, तांदी, वहाँ पर भागा नदी के साथ ये जुड़ती है चंद्रा नदी, और उन दोनों का संगम होता है। तांदी वो जगह है जहाँ पर बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, जो कि उसके अंत का सीन है वो वहाँ पर शूट हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है वो भी। आगे चल के कभी विजिट करेंगे वो जगह भी और आपको दिखाएंगे। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मनाली आ रहे हो तो आपको अटल टनल क्रॉस करके ज़रूर ये सिसु का जो परिसर है वो देखना चाहिए। ये जो जगह है बहुत सुंदर है, और ये अटल टनल से नज़दीक होने की वजह से आप यहाँ पर इजीली पहुँच सकते हो। आप यहाँ पर वातावरण देख सकते हो जो कि बाकी मनाली से काफ़ी अलग है। तो अभी हम खा रहे हैं ऑमलेट, इसका मैंने अपने हिसाब से ऑमलेट सैंडविच कर दिया, और ये मोमोज खा के बताओ ये कैसा है, एकदम लोकल देसी फूड है ना? नहीं नहीं नहीं, तो दोस्तों अभी हम सिसु से निकलकर खोकसर की तरफ जा रहे हैं। खोकसर में एक मंदिर है वो देखेंगे, और काफ़ी सिमिलर है सिसु से ही, लेकिन खोकसर उस तरफ है, दूसरी डायरेक्शन में है। 15 किलोमीटर के अंतर पर है सिसु से खोकसर, तो लेकिन रास्ता काफ़ी अच्छा है तो आराम से पहुंच जाएंगे हम वहाँ पे। रोहतांग पास से केलांग लेह मार्ग की ओर केवल 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोकसर लेह लद्दाख की ओर जाने वालों के लिए
सिर्फ एक चाय विराम बिंदु होने के अलावा एक लोकप्रिय यात्रा स्थल भी है। हमने कोकसर में कोकसर माता मंदिर के दर्शन लिए। 24 नवंबर 2022 था दिन और काफी ठंडी थी, लेकिन हमें वहां पर बहुत अच्छा लगा। हम ज्यादा घूम नहीं पाए, बहुत कम समय था, लेकिन उस कम समय में भी हमको खुशी है कि हम ये जगह देख सके। जो लोग एकांत की तलाश में हैं और कुछ समय के लिए बाकी दुनिया के हिस्सों से कट जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह एक उपयुक्त जगह है। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको याक, जोस, लोमड़ी और भूरे भालू ऐसे अन्य जंगली जानवर आपको मैदान में घूमते हुए दिख जाएंगे। कोकसर। कोकसर लाहौल का प्रवेश द्वार है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के सबसे ठंड गांवों में से एक है। पूरी लाहौल और स्पीति घाटी पश्चिमी हिमालय की चोटियों और पीर पंजल पर्वत श्रृंखला के बीच छुपी हुई है। बाहरी दुनिया से इसकी दूरी ने इसे तिब्बत और तिब्बती संस्कृति की परंपराओं को बनाए रखने में मदद की है। आपको आपको कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जब तक सूरज है हम है, जब तक सूरज चांद रहेगा। ये देखो बच्चा पार्टी खेल रहे हैं, फुल एंजॉय चला है। चैनल का नाम बताइए भैया। इंडियन ब्लॉगर विकास। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस जगह का नाम इस मंदिर के नाम से पड़ा है। जय मां कोकसर। भाई लोग आराम से आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मंदिर के नजदीक आ चुके हैं। जय मां कोकसर।
रोहतांग पास से केलांग ले मार्ग की ओर केवल 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोक्सर लेह लद्दाख की ओर जाने वालों के लिए सिर्फ एक चाय विराम बिंदु होने के अलावा एक लोकप्रिय यात्रा क्षेत्र बन गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मंदिर कोक्सर से ट्रेकिंग के कई विकल्प है और आप अपनी रुचि के आधार पर स्थानीय यात्रा की व्यवस्था कर सकते हैं। और अगर आप भाग्यशाली है तो आप याक, जोस, लोमड़ी और भूरे भालू की जंगली आपको कोक्सर में कोक्सर माता मंदिर के दर्शन लिए थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है और काफी ठंडा था। हम लोग नवंबर के महीने में दोस्तों अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आपको ये जगह देखने मिली और आपको भी यहाँ पर जाने की इच्छा हुई है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और अगर हमको आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे समाप्त कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।